नमस्कार दोस्तों, जून एंड जुलाई के महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन रिलीज होने वाले हैं। इनमें से तीन बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन हैं जो रिलीज होने वाले हैं, वो भी 15,000 के नीचे, और इनका रिलीज होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे, तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डीटी की। लास्ट स्मार्टफोन रिलीज हो सकता है वो Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Note 9। यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक IPS LCD देखने को मिल सकता है। यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल HD प्लस की मिलेगी। यहाँ पर आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में आपको ग्लास बॉडी डिजाइन के साथ आ सकता है। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ मिल सकता है। अब प्रोसेसर की बात करें तो यह स्मार्टफोन MediaTek की Helio G85 के साथ आ सकता है, जो 12 नैनोमीटर फिंगरप्रिंट प्रोसेस पे बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। उसके बाद कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है। रियर में आपको 48+8+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल सकता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5020 mAh का मिल सकता है। उसके साथ आपको 8 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर में देखने को मिलेगा। अब प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 12,000 के अंदर रहने वाला है। ये स्मार्टफोन रिलीज हो सकता है इन जून एंड जुलाई के मंथ में, तो स्टे ट्यून। दूसरा फोन जो रिलीज होने जा रही है वो सैमसंग कंपनी की तरफ से सैमसंग M31S। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल HD प्लस की मिलेगी। इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नस देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट ग्लास डिजाइन के साथ एंड बैक प्लास्टिक डिजाइन के साथ मिल सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो ये वही पुराना Exynos 9611 के साथ आ सकता है, जो 10 नैनोमीटर फिंगरप्रिंट प्रोसेस पे बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। कैमरा की बात करें तो आपको रियर में 64+8+5+5 का क्वाड कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल सकता है। अब बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी विथ 15 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ मिल सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रेयर में देखने को मिल सकता है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 15,000 के नीचे रिलीज हो सकता है। इसका एक्सपेक्टेड रिलीज डेट भी ये जून और जुलाई के महीने में हो सकता है। ये रहा वो तीन स्मार्टफोन जो जून एंड जुलाई के महीने में रिलीज हो सकता है, वो भी 15,000 के नीचे। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके, चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।